चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। जिस फिल्म का इंतजार भोजपुरी दर्शक काफी लंबे समय से कर रहे थे, आखिरकार वह फिल्म बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर रिलीज कर दिया गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी अभिनीत भोजपुरी मूवी नागदेव के बारे में। आपको बता दें कि नागदेव बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया है और रिलीज होते ही फिल्म को जबरदस्त ओपनिंग मिली है। आपको बता दें कि बिहार और झारखंड में नागदेव को करीब 70 से ज्यादा सेंटर पर रिलीज किया गया और सभी सेंटर पर लगभग फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। ऐसे में भोजपुरी दर्शक इस फिल्म को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। फिल्म में खेसारी लाल यादव का नाग वाला अवतार भोजपुरी दर्शकों को काफी ज्यादा आकर्षित करता है। साथ ही साथ नागिन के अवतार में काजल राघवानी एक बार फिर से भोजपुरी दर्शकों के दिलों पर कहर मचाने को बिल्कुल तैयार है, जो दर्शकों को काफी ज्यादा रोमांचित करता है। सपेरे के अवतार में अवधेश मिश्रा भोजपुरी दर्शकों को काफी ज्यादा लुभाते हैं। कुल मिला के कहा जाए तो नाग नागिन पर आधारित कहानी को भोजपुरी दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नागदेव नहीं देखा है तो आप अपने नजदीकी थिएटर में जाकर नागदेव जरूर देखें, क्योंकि नागदेव भोजपुरी दर्शकों के दिमाग में रखकर बनाई गई है। वाकई में ये फिल्म देखने लायक है। वैसे आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी पर फिल्म आया हुआ रोमांटिक सॉन्ग दर्शकों की जुबान पर सर चढ़कर बोल रहा है। वैसे आपको बता दें कि छठ के पहले दिन होने के खातिर सिनेमा घरों में थोड़ी भीड़ कम देखी गई, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि दूसरे दिन आफ्टरनून का शो बिहार और झारखंड के सिनेमा घरों में जबरदस्त हाउसफुल होने वाला है, क्योंकि दूसरे दिन छठ की समाप्ति हो जाएगी और इसके बाद नागदेव के देखने के लिए भोजपुरी दर्शकों की काफी ज्यादा भीड़ उमड़ने की उम्मीद जताई जा रही है।